हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JTS एजुकेशन अकेडमी। सो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें इंटरव्यू से रिलेटेड बात करेंगे जो कि आरबी पब्लिक स्कूल्स लखनऊ नई रोड में कंडक्ट करवाया जाने वाला है कल। सो जो लोग भी PRT TET और PGT के लिए इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा जो लोग भी APS या टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हैं और इंटरव्यू फेस करना के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस वीडियो में हम मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आज तक ARB पब्लिक स्कूल्स में पूछे गए हैं या फिर इसी तरीके के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं फ्रेंड, आपको अपने इंटरव्यू क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। सो सबसे पहले बात करूँ कि आपको पता है फ्रेंड कि अभी 5th और 6th नवंबर को आपका NAVS का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और 23rd और 25th तक आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था। नाउ अब इंटरव्यू शेड्यूल होने स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका कल का इंटरव्यू है, इससे पहले जबलपुर का इंटरव्यू हो चुका है। सो नाउ देखते हैं जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। PRT सेक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको आपसे करवाया जाता है, और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन पूछने वाले हाउ मच टाइम हैव यू टीचिंग इन योर लाइफ, तो अपने टीचिंग लाइफ के बारे में बताना चाहिए कि कब तक आपने पढ़ाया, कितने सालों तक आपने पढ़ाया है। नेक्स्ट अगर TGT की बात करें इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट आर योर 5 क्वालिटीज एंड लिमिटेशंस, तो ये जनरल क्वेश्चन है किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले, आप ये 3-4 पॉइंट अपने याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड यू चूज़ द टीचिंग एज अ प्रोफेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाए रह जाएगा। नेक्स्ट जनरल क्वेश्चन की बात करो PRT TGT और PGT में, तो मेनली क्वेश्चन पूछा था टेल मी अबाउट अ डिफिकल्ट लेसन दैट यू हैड टू टीच। इसके अलावा इफ अ चाइल्ड इज़ वेरी नॉटी सो हाउ विल यू हैंडल, ये क्वेश्चन सिचुएशन क्वेश्चन वो ये जरूर देंगे। अगर PRT सेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा माई सेल्फ बेसिक कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, जिसमें MS Word Excel MS PowerPoint, इसके लिए सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछते हैं वो, और एक लास्ट क्वेश्चन रहता है अगर आप एक्सपीरियंस टीचर हैं तो वाई यू लेफ्ट द लास्ट जॉब। तो ये जस्ट बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पब्लिक स्कूल्स में इंटरव्यू फेस करने से पहले प्रिपेयर करके जाना फ्रेंड्स, और कुछ तैयार करके जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अपने डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाइएगा, सारे सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, उसकी एक फोटो सेट लेकर जाइएगा और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेके जाना है। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल हो। और एक लास्ट थिंग ये है कि आरबी पब्लिक स्कूल्स में फ्रेंड हर साल वैकेंसीज आती रहती है, और ये हर साल इस तरीके से इंटरव्यू करवाए जाते हैं, और ये लोग मेनली जो प्रेफर करते हैं जो एक्सपीरियंस टीचर हो, जिसकी फ्लुएंस इंग्लिश हो, सो जिसकी अगर हिंदी है और इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और अगर इंटरव्यू में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है तो आप प्लीज़ अपने आप को मतलब डीमोटिवेट मत करिएगा, क्योंकि नहीं कि यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप कहीं किसी और चीज़ के लिए काम होने हैं। तो अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, अपने आप को काम रखना, रिलैक्स रखना, आप अपने आप में व्यस्त हो, और डेफिनेटली आप लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही अचीव करेंगे। सो मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक फ्रेंड्स, एंड गुड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।